राउडी अन्ना का कुछ फुल पांच मूवी का मिक्सर बना के लेके आ गए इधर। केमिस्ट्री अच्छी थी, वेरी सुपर हीरो। किसी का भाई किसी का जान, थोड़ा साउथ के लिए थोड़ी पंजाबी के हिसाब से ली। पिक्चर की जान जो है पिक्चर की सॉन्ग्स है। इंडिया, मैं हूं रजनी। बता दें, सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हो चुका है और बड़े पर्दे पर रिलीज होते ही फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज है। चलिए जानते हैं जनता ने इसे कितने स्टार दिए हैं और जनता के नजरों में ये फिल्म फ्लॉप है या हिट। अगर इस मूवी का अगर 100 स्टार्स अगर चल रहे होते तो 100 ने 1000 देता, 10 में से 10 दूंगा। 2.5 out of 5. 5 में से 5 ही देंगे। I think 5.5 उससे कम तो बनता ही नहीं है। 3. 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। पूरा 5 स्टार अपनी मूवी। वेल, आपको बता दें ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज तो हो चुकी है, लेकिन जनता सलमान खान और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री को कितनी पसंद कर रही है, चलिए जानते हैं उनकी जुबानी। मीन्स भाई के बारे में बताया कि ही लव्स विद हिज ब्रदर्स एंड फैमिलीज, मतलब अच्छा बताया। राउडी अन्ना का कुछ तो डायलॉग था वो बहुत अच्छा है। हीरोज की बात करूँ तो पूजा मैम को अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, सलमान के साथ अच्छी लग रही है वो। बट एक बार बोलूंगा, सलमान भाई इज बैक लाइक अ वांटेड, रेडी, दबंग, बॉडीगार्ड, एकता टाइगर। फुल पांच मूवी का मिक्सर बना के लेके आ गए इधर। सबसे बढ़िया तो ऑफ कोर्स मेन लीड है पूजा हेगड़े, उन्होंने अलग लेवल पे एक्टिंग करी है और बहुत ही सूद कंफर्टेबल लेवल पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। उनके डांस भी बहुत बढ़िया है, रोमांस सीन्स भी बहुत बढ़िया करे हैं। केमिस्ट्री अच्छी थी और बहुत अच्छा, मतलब उनका पेयरिंग बहुत अच्छा लग रहा था स्क्रीन पे। एक्टिंग वाज गुड, ही वाज इमोशनल एंड ऑल, मूवी वाज गुड, वेरी सुपर हीरो, माय फेवरेट एक्टर। किसी का भाई किसी का जान, जैसे कहते हैं ना ईद भाई के बगैर अधूरा है, वैसे थिएटर भी पिक्चर ना लगे तो भाई के बगैर अधूरा है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री स्क्रीनिंग जबरदस्त एंड मस्त, और इसमें सबसे अच्छा सोशल कॉजेस पे एक ही मैसेज गया है कि ब्लड रिलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज अ परवरिश, जो उन्होंने तीन भाई को स्टैंड किया। बता दें, इस फिल्म में सलमान खान ने साउथ कल्चर को अपनाया है, अब जनता को ये साउथ कल्चर कितना पसंद आ रहा है। साउथ एक्टर्स में वेंकटेश सर एंड जगपति बाबू जो थे हमारे जगू दादा, उनके दोनों की परफॉर्मेंस का तो मतलब कुछ जवाब ही नहीं है। क्या एक्टिंग किया है, क्या एक्शन किया उन्होंने, एंड इतना जबरदस्त लग रहा है उन लोग का स्क्रीन प्ले, एकदम टाइट स्क्रीन पे, आपको मजा आ जाएगा देखकर। और सलमान सर ने फर्स्ट टाइम साउथ के कल्चर को इतना एक्सेप्ट किया, इतना रिस्पेक्ट किया, लुंगी में आ गए भाईजान हमारे, तो क्या ही बोले हम। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में जो गाने हैं उसको जनता कितना पसंद कर रही है, चलिए देखते हैं। चलिए, देखा जाए तो 2022 में हमारे सलमान भाई आए ना एक भी मूवी में, ना शाहरुख भाई आए थे, तो उस 2022 में साउथ में घुस गए पब्लिक, इतनी घुसी, इतनी सारी मूवीज देखी साउथ की, तो पब्लिक ने ये बोल दिया कि अभी साउथ ही कब्जा करके थिएटर में सब खत्म हो गए। सलमान भाई ने क्या किया है, रीमेक उठा के साउथ का ही पूरा कल्चर है पिक्चर में लेके आके ईद पे बता रहे पब्लिक को। साउथ में भी साउथ के स्टाइल, थोड़ा साउथ के लिए थोड़ी पंजाबी के हिसाब से ली, दोनों कॉमिक बढ़िया लगा। अरे बहुत इन्जॉय किया, वो पंजाबी पहले पंजाबी सॉन्ग्स आ रहे थे उसमें, फिर इन्होंने साउथ इंडियन सॉन्ग डाले, और जो वो कॉम्बिनेशन जो जुगलबंदी करी है रामचरण के साथ, ओह बहुत मजा आया, और आई थिंक एक अलग लेवल पे ले गए हैं परफॉर्मेंसेस को साउथ का और बॉलीवुड का। रामचरण ने सॉन्ग में एंट्री ली है, आपको सॉन्ग एंजॉय किए कि नहीं आपने? हां सॉन्ग अच्छा, वही तो बोला पिक्चर की जान जो है पिक्चर की सॉन्ग है। इसके अंदर जो नयो लगदा का जो सॉन्ग है सब लोग टारगेट कर रहे थे, ये क्या है ये क्या है, इसका ही हाँ इसका ही सॉन्ग का जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक लास्ट तक दिया, बहुत अच्छा, और गाने तो इज बेस्ट है, तो नहीं कुछ हो तो गाना ही सुनने के लिए आप जाओ तो भी आपके लिए मूवी अच्छा है। बता दें, इस फिल्म में दिवंगत सतीश कौशिक का भी एक रोल है, जिसे देखने के बाद जनता थोड़ी इमोशनल हो गई, और क्या कुछ कहना है उनके इस किरदार के बारे में चलिए जानते हैं। उनके मतलब मूवी ने उनके लिए मतलब डेडिकेट करता हूँ, मतलब एक बोले तो एक बोलते ना कि एक लास्ट मूवी है, किसी को अगर डेडिकेट करना रहेगा तो ये सतीश कौशिक एक बहुत अच्छा है। मतलब ये सर को देखा हमने मूवी में, बहुत अच्छा लगा यार उनका कैरेक्टर करके, मतलब ऐसा हो कि ये क्यों चले गए, उनको और आगे होना चाहिए था, बहुत जल्दी चले गए, उनका भी अच्छा दिया उनको स्क्रीन स्पेस, उसका रोल अच्छा है उसका। बता दें, सलमान खान की फैंस फॉलोइंग काफी तगड़ी है और बच्चे इन्हें काफी पसंद करते हैं। वेल, बच्चों ने क्या कहा इस फिल्म के बारे में, चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी। बहुत अच्छी लगी, मेरे फेवरेट एक्टर है, मेरा बर्थडे 26 दिसंबर को आता है, सलमान सर का 27 को आता है। ओके, सो डांसिंग किया कि नहीं? नहीं। तो सलमान
सलमान खान के अंदाज में बोले भाईजान, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। वेल, आपको बता दें फिल्म तो रिलीज हो चुकी है, अब आप भी कितने एक्साइटेड इस फिल्म को देखने के लिए, और अगर इस फिल्म को देख चुके हैं तो आप इस फिल्म को कितने स्टार देते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।